Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Urvashi and in today's video I'm going to tell you how girls and even ladies and even beginners can do their eye makeup for party functions like wedding ceremony and small gathering, whatever. So not that hard enough. आप लोग अपने अपने घरों पे भी इजीली कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पास. आप लोग मेबलिन लैक्मी का भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हैं और स्किन फ्रेंडली भी हैं एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैव ऑलरेडी वॉश माई फेस यूजिंग अ फेस वॉश and applied this Cetaphil moisturizing cream. It is a very good hydrating cream, I must say. I'm using it from 2 or 3 years and the results are very amazing. It doesn't leave your skin very oily or sticky. आपकी skin बहुत ही light feel करती है और इसका बहुत छोटा सा amount ही काफ़ी होता है आपकी skin के लिए. सो मार्केट में आज के टाइम में वैसे तो मैं टार्ट का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ बट मार्केट में बहुत सारे बजट फ्रेंडली कंसीलर्स अवेलेबल हैं जैसे कि मेबलिन लॉरियल. कंसीलर्स हमारे फेस पे जो छोटी मोटी करेक्शंस हैं उनको हेल्प आउट करता है क्लीन करने में. जैसे इफ़ यू हैव एनी डार्क सर्कल्स नहीं भी हैं तो भी बहुत हल्का हल्का ग्रेनेस होती है उसको कवर अप कर सकता है. आपकी आई शेडो लगाने से पहले आपको बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकता है आपकी आईलेट के ऊपर, आपके अराउंड योर माउथ. इफ़ यू हैव एनी पिगमेंटेशन तो कंसीलर उसको करेक्ट करता है बट उसके लिए आपको एक करेक्ट शेड फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने स्किन के अकॉर्डिंग. सो what I am doing here, first of all I am using eyebrow pencil to shape my brows first and in gaps को जो बीच बीच में gaps लग रहे हैं इनको fill करने के लिए आप कोई भी eyebrow pencil use कर सकते हैं. Lakme है, Maybelline है, मेरे पास एक color bar की है. So कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो आपकी नेचुरल शेप है बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थोपना नहीं है. विद अ वेरी लाइट हैंड हल्के हाथ से आपको अपनी शेप के अकॉर्डिंग आईब्रो का शेप देना है. ओके बहुत लाइट हैंड से ये मेरे को बचपन में चोट लगी थी एक बार तब से यहाँ पे बाल आते ही नहीं है, उड़ चुके हैं. नाउ इफ यू आर लुकिंग मैं स्पूली है इसी के पीछे उससे आई विल मर्ज का मतलब है मिला देना जो आपने अभी आईब्रो में फिल किया है कलर्स उसके जो आईब्रो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं वो अच्छे से आईब्रो में मिल जाएं, अलग से ऊपर ऊपर ना लगे. One more thing, I'm not using black eyebrow pencil at all. I'm using a dark brown shade because dark brown shade black color ke hairs ke saath bhi jata hai aur aapke dark brown shade ke saath bhi jata hai. So it is a universal. Now I am using a concealer. आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं अगर ब्रश नहीं है
आपके पास, डोंट वरी। जो आज का ट्यूटोरियल है, बेसिकली जिनके पास मेकअप ब्रशेस नहीं भी हैं वो भी आई मेकअप कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी आई मेकअप कर सकते हैं यूजिंग योर फिंगर्स, बिकॉज योर फिंगर्स आर योर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाना है हमें। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं एक आँख ब्रश से करूंगी और दूसरी आँख अपनी फिंगर से करूंगी, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज द ब्रश। Now I'm using my finger. Dab, dab, dab. आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस फिंगर से करने पे और ब्रश से करने पे। इट्स टाइम आपको इस कंसीलर को क्रीज बनने से, क्रीज मतलब सलवटे पड़ने से रोकना है। कैसे रोकेंगे इसे? वी हैव टू अप्लाई लूज प्रेस्ड पाउडर, ट्रांसलूसेंट शेड है ये, ठीक। ये लूज पाउडर होता है, जैसे सिमिलर टू चावल का आटा या फिर मैदा। यस, इट्स बहुत रिफाइंड होता है फॉर्म। अगर आपके पास ये नहीं है, स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है कॉम्पैक्ट, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑन वन आई आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट एज अ पाउडर। हल्का हल्का डैप करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रखना, उसे दबाना, या ऐसे ऐसे करके रब नहीं करना। आप मेरी मूवमेंट देख सकते हैं, बहुत हल्का हल्का आई एम जस्ट डैबिंग इट। नाउ आई विल यूज लूज पाउडर। को भी मैं बहुत हल्का हल्का आई विल अप्लाई। नाउ आई विल यूज दिस हुडा पैलेट। इसमें से अगर आपके पास हुडा पैलेट नहीं है, डोंट वरी, मेबलिन के बहुत अच्छे अच्छे पैलेट्स हैं जो रीज़नेबल भी हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं। लैक्मी के भी बहुत सारे बजट फ्रेंडली आई शेडो पैलेट्स आते हैं, और भी बहुत सारे वेरियस ब्रांड्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके बजट फ्रेंडली आपको आई शेडो पैलेट्स मिल जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट गो एंड ग्रैब देम। अब इस आई शेडो पैलेट में से I will use light brown shade, light brown on my finger and will apply it outer corner. Outer corner पे आप देख रहे हैं मैं कैसे I am using it very lightly. मैं अपने fingers पे बहुत हल्का pressure कर रही हूँ, और सिर्फ कॉर्नर में, जो आउटर कॉर्नर है सिर्फ उसमें, अंदर की तरफ फैला रही हूँ। अच्छा, ये अगर आप सीधा देखें तो आपकी जो आई बॉल है इससे ज़्यादा एरिया आगे नहीं आना चाहिए,
now what? I will take a dark golden or light golden color from my palette with my on my fingertip only. Actually, I am taking mix of two colors, dark golden and light golden, and will start apply center se. Center se maine shuru kiya aur inner corner tak gayi. Now आप सबके पास ईयरबड्स होते हैं, क्यू टिप्स भी बोलते हैं इन्हें. आपको हाइलाइटर में रब करना है इसको. हाइलाइटर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में और इनर कॉर्नर. This is my brow bone. Now I am applying kajal. आपको काजल नहीं लगाना है, it's totally up to you. लेकिन काजल लगाने से पहले एक सीक्रेट टिप देना चाहूँगी मैं आपको. बहुत सारे लोगों का काजल फैल जाता है थोड़ी देर में, यहाँ सारा काला काला हो जाता है. उसके लिए पहले तो आप एक गुड क्वालिटी के काजल में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मेबलिन कोलोसल काजल है और इंग्लॉट का काजल है. There are so many kajals available in the market. आपका जो बजट आपको अलाउ करता है, लेकिन अच्छा काजल में इन्वेस्ट कीजिए. डोंट गो फॉर लोकल और आई कैन से जिस कंपनी के बारे में यू डोंट हैव एनी आइडिया. दिस इज़ अ क्यू टिप. आई एम क्लीनिंग माय. आई विल गिविंग यू अ मोर जूम लुक फॉर दिस. लैश लाइन है, इसको क्लीन करेंगे क्लीन क्यू टिप से. उससे अगर कोई रेजिड्यू होगा आपकी लैश लाइन में वो हट जाएगा. देन टेक रेस्ट फॉर लाइक 5-10 सेकेंड्स, जिससे आपकी अगर आईज वाटरी हो रही हैं तो इट विल स्टॉप वाटरिंग. नाउ द काजल. इंडियंस का बहुत पुराना रिलेशन है काजल के साथ. सो अगर इफ़ यू आर गेटिंग रेडी फॉर इंडियन पार्टी तो काजल या कोहल रिम आए होना तो मस्ट है ना. नाउ इट्स टाइम फॉर आई लाइनर. आईलाइनर लगाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है जो आपकी हम बचपन में ड्राइंग करते थे बाउंड्री के. हमारी मम्मा या हमारे टीचर्स हमें बोलती थी बेटा बाउंड्री में ही रहो. तो दिस इज़ द बेस्ट बाउंड्री. आपको इसके साथ ही साथ चलना है. आईलाइनर आप मोटा पतला जैसा आप पसंद करते हैं वैसा लगा सकते हैं, बट मुझे विंग्ड आईलाइनर पसंद है. आई एम क्रिएटिंग अ विंग नाउ. आपको ये इसके ऊपर की लाइन दिख रही है, यू हैव टू ऐसे यहाँ से हम ऊपर की तरफ लाइन लेंगे. Now I will do my another eye with the help of brushes.
वही लाइट ब्राउन शेड। लेट मी डू सम जूम फॉर यू गाइस। Now the golden, विथ दैट सेम जिससे हमने ब्राउन कलर यूज किया था उसी ब्रश को जस्ट वेरी लाइटली मर्ज करेंगे सो दैट ये जो एजेस है नाउ आई विल डू द आई लाइनर एंड कोवल क्लीन माय आई for applying kohl. Kohl लगाते हुए अगर आपकी आईज वॉटरी हो जाए या फिर आई मेकअप करते हुए वॉटरी आईज हो जाए तो लीव इट फॉर लाइक फ्यू मिनट्स और जब तक आपकी आईज कंट्रोल नहीं हो जाती फिर भी इफ यू आर कंसर्न कि आपका मेकअप रुइन ना हो जाए यू कैन सी माई आईज हैव बिकम वॉटरी So I'm using a clean Q-tip and just dab it lightly in the inner corner of your eye so that it will absorb all the tears water in your eye then leave it for like a few seconds jab tak aap sahi mehsoos nahi karte don't do any further makeup in or out your eye I'm using gel eyeliner. कई लोगों की समस्या होती है दे हैव प्रॉब्लम लाइक यहाँ से आईज वॉटरी हो जाती है तो बहुत जल्दी काजल फैलना शुरू हो जाता है तो आप कॉर्नर इस कॉर्नर तक मत आइए ज़रूरी नहीं है आपको लाइनर पूरा कॉर्नर तक ही लेके आना इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल थोड़ा सा विंग निकालेंगे हम इसका बफर और बहुत सारे आईलाइनर ब्रशेस हैं आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे मैं इससे कंफर्टेबल रहती हूँ इसलिए मैं यूज कर रही हूँ मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के अवेलेबल है एंगुलर क्यूटिप या फिर दिस वेरी स्लीक वन इससे बहुत इजी हो जाता है कई लोगों को आईलाइनर लगाना या फिर ये मेबलिन काजल के साथ जेल लाइनर के साथ मुझे मिला था दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रश टू अप्लाई जेल लाइनर और अब ये ऑलमोस्ट मेरा आई लुक कम्प्लीट हो चुका है आज मैं पूरा फेस का मेकअप नहीं दिखाऊँगी आपको बिकॉज आई एम लिटिल बिट इन अ हरी बट लास्ट
an important thing is mascara. We have to do mascara. सबसे पहले मस्कारा अप्लाई करने से पहले वी विल ब्रश. इससे जो एक्स्ट्रा का कोई आई शेडो या कोई मटेरियल इन पर लगा होगा तो इट विल हट जाएगा. आई विल कर्ल माई आई लैशेस विथ दिस कर्लर. आपके पास नहीं है कर्लर, डोंट वरी, क्योंकि हर किसी को कर्लर यूज़ करना नहीं आता एंड समहाउ दे आर अफ्रेड टू यूज़ इट, सो डोंट वरी. आप मस्कारा डायरेक्ट लगा सकते हैं, यू डोंट हैव टू यूज़ दिस कर्लर. No, another eye. What you have to do is never, never, ever do this. Just swirl it around. गोल गोल घुमाइए इसको अंदर ही और मस्कारा को निकालिए. जहाँ आपकी आईज वाटरी लग रही हैं आपको स्टॉप डूइंग द मेकअप एंड इंसर्ट द क्यूटर. आफ्टर द मस्कारा वी हैव टू यूज द हाईलाइटर आल्सो टू हाईलाइट द ब्रावो. दूसरी आंख पे हमने क्यूटिप से किया था, आपको याद है, ईयरबड से. Now I am using the brush for it. Now this is the complete look. This look, this color combination will go with any other traditional attire as well as western outfit also, so don't worry, just go with it. Hey ladies, hey girlies, this is my final eye look. I hope you all like it. Now I have shown you how you can do your eye makeup with the help of your magic fingers. These are your magic brushes and I hope you will like this video. Do share, comment and like my video and share it with your friends also. Till then, bye bye. We'll meet you soon with next look.